एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आई एम व्लॉगिंग टुडे क्योंकि बस मन कर रहा था मेरा कि आज मैं व्लॉग करूँ, सो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ये थप 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 की आवाज़ आ रही होगी हमारे साइड वाले घर में, कपड़े धुल रहे हैं थपकी से, रोज थपकी से ही धुलते हैं। सो वो ये आवाज़ आ रही होगी पीछे से। और अभी मैं खाना बनाने जा रही थी, अभी टाइम हो चुका है 1 PM, दोपहर का 1 बज रहा है। जब मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, तभी सब लोगों को ना होरन और कबाड़ी वाला और वो साग ले लो, मेथी ले लो, पालक ले लो, सबको तभी आना होता है, सब तभी आता है। उससे पहले बिल्कुल शांति, अमन शांति रहती है। सो हाँ, अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हो, बार बार देखना चाहते हो तो नीचे बेल बटन है उसको दबा देना, क्योंकि बेल बटन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगी तो आप मुझे देख पाओगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वैसे तो आप लोग करते हो लेकिन फिर भी कहना मेरा फर्ज है वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं बस अभी जा रही थी खाना वाना बनाने के लिए, और फिर मेरे को एक बार तैयार श्यार होकर अच्छे से पार्लर भी जाना है। पार्लर जाने के लिए तैयार श्यार होना मतलब कि अपनी थ्रेडिंग पर्लिस वगैरह सब बनवा के आना है, क्योंकि कल है साई संध्या, आई मीन सैटरडे को, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं ब्लॉग कर रही हूँ और साई संध्या का व्लॉग भी मैं करूँगी, ठीक है। वो मतलब पक्का नहीं पता करूँगी या नहीं करूँगी, वैसे सोच रही हूँ मैं कर लूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं 100 रुपीज़ फॉर अ डे वाला चैलेंज करूँ, बट मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि इसका रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, शायद 2-3 वीडियोस बाद बताऊँगी। तो क्या नाम है, क्या बताती मैं भूल गई यार, मैं क्या बताती। तो मैंने सोचा कि चलो भाई वो ना सही, मैं व्लॉग ही कर रही हूँ क्योंकि घर से बाहर मैं अभी नहीं जा सकती, तो घर में रहना है, तो मैंने सोचा ठीक है आज मैं व्लॉग कर लेती हूँ। तो आप ये देख रहे हो, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये क्यों है, किस लिए है, ये भी आप लोगों को जल्दी पता लग जाएगा। तो मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम पढ़ाई चढ़ाई करेंगे, पढ़ाया करेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाया करूँगी, आप लोग पढ़ा करिएगा। तो जल्दी ही आपको उस चैनल का नाम भी मैं बता दूंगी, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अभी से बोल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, लाइक 1 वीक का वेट कर लो आप लोग बस, उसके बाद आपको एक और न्यू चैनल देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ाई किया करेंगे। तो इसलिए मेरी सारी प्रिपरेशन उसके लिए भी डन हो चुकी है, नेक्स्ट मतलब अगले चैनल के लिए जो मैं बनाने वाली हूँ। मतलब चैनल बनाया नहीं है अभी, वीडियोज़ मैंने तैयार कर दिया, बस एडिटिंग रह रखी है। एडिटिंग होने के बाद मैं चैनल बनाऊंगी एंड देन वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, उन वीडियोस को भी लाइक कर देना। तो अभी बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ इस गली में, ठीक है, किचन में। ओके पानी गिर, ये तो मेरा नेचुरल फेस है ना, मन कर दिया नेचुरली मैं ब्रेन बूस्ट अंदर तो पकड़ लूँगा, ये तो मेरे ऐप्स की गड़ी है, देख दिखाऊंगा ना, ये देखो। तो बाहर क्यों जा रहे हो, अंदर आओ ना, ठीक है। कब्जा, ये मेरा कब्जा है, ये मेरा नेचुरल कब्जा है। इस इंसान के अंदर इतना टैलेंट है, हाथ दर्द हो रहा है, इस इंसान के अंदर इतना टैलेंट है कि ये 1 घंटे की सब्जी को आधे घंटे में बना सकता हूँ, आधे घंटे में, 10 मिनट में पूछो कैसे है, कच्ची खिला सकता हूँ। हमेशा ऐसी होता है जब भी भूख लग रही हो कि जल्दी जल्दी, ठीक है मैं कहती हूँ, मैंने कहा मैं बना तो रही हूँ, बना रही हूँ, जबकि मैं बना के रख देती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में आता है कुछ और सब्जी बनानी है, ठीक है। और उस 15-20 मिनट लगेगी सब्जी में, उसको 5 मिनट में, चाहे वो कच्ची हो, 5 मिनट में उसको कर कुरा के खा दो, खानी तो है बस, क्या हो गया। और ऊपर से माजिस की दिल्ली डाल लो पेट में, है ना, अंदर ही बन जाएगी। हमारी ये कड़ी है 4 दिन पुरानी, 4 दिन 3 दिन 2 दिन है, अच्छा 2 दिन पुरानी, 2 दिन रात भी, 2 दिन नहीं 1 दिन पुरानी, नहीं 2 और 1 रात, नहीं 1 रात 1 पुरानी, 2 रात 1 रात, 2 रात 1 दिन। लेकिन कड़ी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी लगती है भाई, हमारे यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं भाई, बाबा की सब्जियां कर रहे हैं, तो किसी के पास लस्सी रखी हो ना पुरानी, तो चाहिए 30 लीटर, ठीक है भाई।
ये वीडियो संडे में जाएगी तब तक संध्या हो चुकी होगी। देख मैं गरम कढ़ाई ना अपने एक हाथ से उठा सकता हूँ। ठंडी है ये गंदी औलाद मशीना स्वाद ये तकिया कलाम किसका है? अंकित अरोड़ा का। मन्नी मेरे को कहा करते कभी कभी गंदी औलाद मशीना स्वाद है ना, कहाँ से सीखा था? तो इधर मैंने राइस बनने रख दिए, जब राइस बन जाएंगे तब मैं बनाऊंगी दाल, जब चावल बन जाएंगे ना चावल तब मैं दाल बनाऊंगी। साबुत मसूर, यस मेरे को साबुत मसूर बहुत अच्छी लगती है बहुत। तो राइस बनके तैयार हो चुके हैं, ये रहे, वेट लेट मी शो यू, ये रहे मैंने अलग बर्तन में निकाल दिए, ठीक है मैं इनको कवर कर देती हूँ बस। अब मैं इधर बना रही हूँ दाल, कुकर में दाल बॉईल होने रख दूंगी और फिर छौंका लगाऊंगी दूसरे में, फिर मैं सोच रही हूँ कि इसमें ही छौंक लगा के बना लेती हूँ, है ना, यही करूंगी। और फिर मैं धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, और मैं सोच रही हूँ मैं अपने सर में ऑयलिंग कर लूँ क्योंकि एक दो घंटे बाद मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, पक्का नहीं पता मुझे। तो कुकर हो गया गरम, अब हम इसमें तेल डाल देंगे, और ये मैंने प्याज और हरी मिर्ची काट के रखी हैं ये डाल दूंगी, ये टमाटर है ये काट के डाल दूंगी, और सब मसाले, एंड देन ये रही दाल मैंने धो के रख लिया है ये डाल दूंगी, और फिर पानी। ऑयल डाल दिया, हींग, सबको अभी बोलना है अब भी भोकेंगे सब, हींग डाल दूंगी अब। वैसे तो मुझे हींग बिल्कुल पसंद नहीं है, हींग अदरक ये सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं डालना पड़ता है, मजबूरी है। जीरा थोड़ा सा ऐसे कि दाल में दिख जाए, वैसे तो मैं प्याज में छौंक लगा रही हूँ, प्याज डाल दूंगी अब, जब तक ये प्याज भूनेंगे टमाटर काट लो भाई। ये भून गई, अब टमाटर डाल देंगे, नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, ठीक है, और हल्दी वगैरह सब डाल लेते हैं, इसको ढक्कन लगा दो। जब तक ये दाल बन रही है मैं जा रही हूँ कमरे में मम्मी के पास, थोड़ा सा धूप सेक लूंगी, अब मेरे को चला गया, फिर खाना खाने के बाद पियेंगे चाय या कॉफी, देखते हैं क्या बनती है, वाइप भी लूंगी, ठीक है। तो बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी, दिन में 10 बार ठीक कर लो लेकिन फिर दोबारा वैसी की वैसी रहती है यार। और बस मेरी दाल भी बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ कुकर खोलने और इसका मैं जूड़ा बना लूंगी। यार मैं ना रोज सोचती हूँ कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के रखूंगी, घर में बना के रखूंगी, लेकिन मेरे बाल ना मतलब ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं जूड़े बना लेती हूँ, और अभी मैं परेशान होगी चोटी करे करे, तो अभी मैं जा रही हूँ जूड़ा बनाने, और दाल बन गई है, दाल खोल लेती हूँ, और भूख लग गई, मैं तो खाना खा रही हूँ। मनी तो गए काम से, वो आएंगे थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर तो लड़कों का तुम्हें पता ही है भाई, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं किस में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर मैं धूप में ही बैठूंगी, अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है कमरे में, अभी बस थोड़ी देर में 15-20 मिनट में पूरी अच्छी वाली धूप आ जाएगी। और देखो मैंने वहां फोटो लगा दिख रही है, अभी दिख रही बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। दाल भी बन गई है, और ये रहा मेरा खाना, एक रोटी थोड़े से चावल एंड दाल, मैं बस इतना ही खाऊंगी क्योंकि मेरे को पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और मैं खाना खा लूँ और मैं आप लोगों से मिलूंगी खाना खाने के बाद, जूड़ा मैंने कर लिया क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ, और खुले बालों में मेरे से बिल्कुल नहीं आ जाता, और मैं
चलो मैं खाना खा लूँ, मैं आप लोगों से मिलूंगी खाना खाने के बाद, शायद जब मैं बाहर जाऊंगी कॉफी पीने के लिए, क्योंकि फिर मुझे खाना खाने के बाद दवाइयाँ भी लेनी है। और ये मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी कि मैं बाहर का भी क्यों नहीं खा रही, और जब मैं वीडियो बनाने वाली थी वो क्यों नहीं बना रही, और मैं दवाई क्यों खा रही हूँ, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो मैं अभी मैं खाना खा लूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई मैं बस अभी आई हूँ सैलून से, पार्लर से, सेटिंग वगैरह बना के सेट ऑफ पूरी थक गई। तो अभी बस मनी और मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, और मैंने मास्क भी नहीं उतारा देती हूँ। तो बस मनी और मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, और मैं आप लोगों से मिलूँगी वहीं पे। यार एक बार तो हर थर्टी उन्होंने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन हाय हाय है मजबूरी, बनवानी पड़ती है, क्या करें। तो चलो मैं आप लोगों से मिलूंगी कॉफ़ी पीते हुए, ठीक है। पीनी है किसी को तो आ जाओ, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज है, और आप लोग आ तो सकते नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ता ही है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, आओगे तो पिलाऊंगी भी ज़रूर। पहले तो मैं पानी पी लूँ, फिर बाद में मैं आप लोगों से मिलूंगी वहाँ पे, ठीक है। इतनी भी ठंड नहीं हो रही, इससे कुछ फायदा होता है? कपड़े तो पहन नहीं रखे, पतली सी टी शर्ट पहन रखी, और जैकेट जैकेट भी नहीं, जैकेट पहन रखी है, पहन रखी है। यार लोग देखते हैं ना, कहते होंगे कैसे बद्दे से इसमें आते हैं कॉफी पीने के लिए। अंकल को कह देना उसको थोड़ा अच्छा बना दे, मैं पैसे लगाऊंगा, फाइनेंस करूंगा, कुलदीप को बोल देता हूं इन्वेस्ट कर देगा थोड़ा सा, वो वीडियो देखेगा तो तुम्हारी वीडियो को करें हम कर देगा। मंदिर के लोग आते हैं कॉफी पीने के लिए, हमारे घर में मशीन है, लेकिन तभी भी हम लोगों को यहाँ की कॉफी पीनी होती है। क्यों? क्योंकि घर चलाना किसी के लिए अच्छी बात है, घर चलाना चाहिए। अरे पैसा खर्चना है फालतू है, मेरे को दे दो, दिए तो मैंने 4,000 रुपये, जाओ पागल बना रहे, 4,000 मिलता है मेरे को 7 साल में। मजाक कर रही है, नहीं जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। वो तेरा नहीं है, तुम ऐसे हो रहे हो जैसे किसान आंदोलन में से उठ के आए हो। किसान आंदोलन, मैं किसान को समर्थन देता हूँ अपना पूरा पूरा, और जो इन्होंने तिरंगे वाला ये सीन किया, तिरंगे वाला सीन एक किसान नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज को देखते हैं, पता है क्या, किसान की जो ट्रैक्टर पेड़ थी ना, उसके अंदर जो है सबके उस पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगा हुआ था, अगर उनको बेइज्जती करनी होती है तो तिरंगा झंडा नहीं लगाते कभी भी, तिरंगा झंडा, तिरंगा, ठीक है जी। कॉफी बन गई पकड़ना, हमारी कॉफी बन चुकी है, मैडम देखो मैडम मेरी कॉफी उठा रही है, लेकिन इन्होंने बनवाई, मैंने बनवाई तो है, मेरी मैडम को नसीब होगी आधी, और इसके साथ संध्या की तैयारी चल रही है। हाँ तो भाई साहब 9 भेज दो आप। हाँ जी, तो हम आज अपना ये ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मेक श्योर नीचे बेल बटन उसको प्रेस कर देना, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अब ये ट्रेन को थोड़ा सा साइलेंट पे लेके हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते हैं भाई, जो उनसे भी आपको नई पोस्ट चाहिए तो आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को देखना जरूर।